आज का दिन भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि आज केंद्र सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए जम्मू कश्मीर से धारा 370 समाप्त करते हुए जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश भी घोषित कर दिया, जिसका जनपद संभल के चंदौसी तहसील क्षेत्र में हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने फव्वारा चौक पर आतिशबाजी छोड़कर जश्न मनाया और केंद्र सरकार द्वारा लिए गए इस ऐतिहासिक फैसले के लिए जमकर प्रशंसा की। वहीं हिंदू जागरण मंच के कौशल किशोर ने कहा कि अभी तो सही मायने में कश्मीर हमारा हुआ है, वो दिन दूर नहीं कि लाहौर भी हमारा होगा। आज हिंदू जागरण मंच ने जो बधाई बांटी है, आतिशबाजी की है, पूछिए यार क्या क्या मामला। आज सही मायने में जो कश्मीर को, जो गुलाम कश्मीर हमारा बना रखा था धारा 370 लगाकर, आज सही मायने में आज आज़ादी मिली है। जो जहाँ कोई प्लॉट नहीं खरीद सकता था, जहाँ किसी प्रकार के कोई व्यवसाय नहीं हो सकता था, लेकिन आज भारत के गृह मंत्री ने वो काम करा है, और वो भी आज नागपंचमी के दिन शेष नाग का अवतार लेकर भारत के गृह मंत्री ने एक ऐसा साहसिक निर्णय लिया है, हम उसका पुरजोर स्वागत करते हैं। और जो हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, जहाँ उनका बलिदान हुआ था कश्मीर में, हम लोग इतने वर्षों से, हमारे पूर्व भी इतने वर्षों से कहते आ रहे हैं कि जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, आज वो सही मायने में आज सही नारा साबित हुआ है और वास्तव में कश्मीर हमारा है। और जो धरती का स्वर्ग जो कश्मीर कहलाया था, अब उसका जो है जो जीर्णोद्धार होगा केंद्र सरकार के द्वारा, हम केंद्र सरकार के भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं, हृदय से आभार प्रकट करते हैं। आज उन्होंने पूरे हिंदुस्तानियों की, आज सुनिए, कश्मीर से धारा 370 हटाने तथा 35A हटाने के उपलक्ष्य में जो ऐतिहासिक फैसला सरकार ने आज दिया है, उसके संदर्भ में आज यहाँ पर फव्वारा चौक पर हिंदू जागरण मंच के द्वारा आतिशबाजी की गई है तथा मिठाइयाँ तथा बांटकर आतिशबाजी कर खुशी का इजहार किया गया है तथा एक अखंड भारत के लिए प्रथम प्रयास जो हुआ है और हिंदू जागरण मंच अखंड भारत के लिए संकल्पित है तथा भारत को अखंड बनाकर रहेगा।